राखा भैया कैसे हो? बढ़िया भैया। हमने पहले तो क्रेटा की एसेसरीज दिखाई थी, आज अपने पास साक्षात क्रेटा आ गई ना। गाड़ी भी दिखा रहे हैं, एसेसरीज भी दोनों दिखाएंगे। ठीक है, अब मेरे को एक एक करके बताओ क्या क्या हुआ इसमें। फ्रंट अगर लुक में जाएंगे तो इसके अंदर जो पहले मैं आपको बताया था, जो काम हुआ वो बेसिक हुआ है। बजट में बोल सकते हैं, मतलब 50,000 के बजट के अराउंड में इसके अंदर काम करा है हमने। ठीक है, बेसिक चीजें जो नेसेसरी होती है गाड़ी में वो लगाई है, तो बजट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, फ्रंट में DRL लगा दी। ठीक है, मॉडल वाली सेम हुंडई, सेम हुंडई कंपनी की ओरिजिनल। ठीक है, इसका ये ये देखिए, हमने इसका ये पूरा पैनल भी चेंज करा। अच्छा, हमने OEM है ना? हाँ, OEM पैनल भी है, OEM DRL है। ठीक है, पैनल के साथ हमने चेंज करा और ये हमने की पे कर दिया है। ठीक है, चाबी लगाती है। अच्छा, ये ऑन हो जाएगी DRL। ठीक है, ठीक है। हेडलैम्प में हमने 200 लगाई है, 500 वाट होगी। कमाल है। तो भाई LED का रिस्पांस चेक कर सकते हो एक बार यहाँ से आप लोग, और अपनी 250 वाट होगी। हाई बीम लो बीम दोनों है ना? 250 लो बीम में भी 250 ऐसे ही। बेस के फॉग लैंप का कुछ अपना जुगाड़ है? इसी का इसके अंदर फ्रेम आता है, आप लोग देख सकते हो टॉप मॉडल अपनी बना दिए, 250 वाट कर दिए, और ये तो टॉप मॉडल में भी नहीं आता है ना? बिल्कुल नहीं आता, टॉप मॉडल के थ्रो से इसका 4 गुना ज्यादा। साइड प्रोफाइल के अंदर हम जाएंगे तो हमने इधर इंडिकेटर आता है, वेंट लगा दिया यहाँ पे। वेंट इसलिए लगा दिया क्योंकि इसे साइड में ऑटोमेटिक करे हैं। ठीक है, ठीक है। ये हुंडई की ओरिजिनल दोनों साइड के मीटर इंस्टॉल करे हैं हमने। ठीक है, इसके अंदर स्विच से भी कंट्रोल होगा और आप चाबी से भी ऑन ऑफ होंगे। जब आप लॉक करोगे गाड़ी तो ये बंद हो जाएंगे, अनलॉक करोगे तो खुल जाएंगे। ये भी अपने OEM ही है, ये भी OEM है हुंडई की ओरिजिनल। तो ये 45% ऑफ वाला ही सौदा है क्या? हां, ये सारा वही है, वो आपको वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, आगे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो बाद आ जाओ। ये लोअर गार्डलिश हो गई, क्रोम की देख सकते हो आप लोग यहां पे, डोर वाइजर हो गए ऊपर, ये वाले क्रोम हो गए, ये हैंडल क्रोम चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ पीछे भी हैंडल क्रोम लगा दिया। ये अपने सारे के सारे जो है OEM आते हैं। पीछे की बात करें भैया, इसके टॉप मॉडल में अलग LED वो आती है, पूरी सेटअप अलग है, वो भी चाहो तो वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो भी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक है। इससे हमने कुछ काम नहीं करा है, बैक कैमरा इंस्टॉल करा है OEM द्वारा। ठीक है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मूविंग गाइडलाइंस है, ये HD कैमरा रहने वाला है ये। ठीक है, ठीक है। ये हमने बाहर के बाहर में यही काम हुआ, बाकी इसके अलावा जो हो सकता है रूफ रेल्स लग सकती है। ठीक है, चार्जर एंटीना वाइपर इंस्टॉल हो सकता है, वर्किंग भी डमी भी। ठीक है, हेडलाइट चेंज हो सकती है। ठीक है, रिफ्लेक्टर इंस्टॉल हो सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे भी डिफ्यूजर लग सकते हैं, टॉप एंड मॉडल वाले। टॉप एंड मॉडल जाते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ बाहर से और एडिशनल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं अंदर निकालूंगा। तो ये कस्टमर ने ग्रिल नहीं लगवाई क्या? नहीं, ग्रिल नहीं चेंज करवाई, वैसे है अपने पास। टॉप मॉडल का भी ऑप्शन है हमारे पास और आप इसको भी हाइड्रो ट्रिमिंग भी करवा सकते हैं। चलो मैं पीछे से आ जाता हूँ एक बार, अंदर आ जाएंगे तो अंदर आपको 12.33 की डिस्प्ले दिख जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये एडिशनल ब्रांड में रहने वाली है, 4GB रैम, 32GB मेमोरी, 2 साल की इसकी रिप्लेसमेंट गारंटी रहने वाली है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वायरलेस है इसके अंदर, 360 सपोर्टेबल है। इन फ्यूचर आप 360 कैमरा भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन्होंने नहीं लगवाया, नहीं लगवाया। उसके अलावा हमने स्टीयरिंग रैप इसके अंदर OEM टाइप कर दिया है। ठीक है, फुल ये ग्रे कलर के अंदर है विद 10 स्टिचिंग, जैसे टॉप मॉडल में स्टिचिंग होती है। ठीक है, वैसे हुंडई ओरिजिनल स्टीयरिंग कंट्रोल, ये मैट में, मैट में। हाँ, ठीक है, कस्टमर की डिमांड मैट ही थी, कह रहा कि मेरे को मोस्टली हर जगह मैट है तो मैट ही चाहिए, ग्लॉसी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हुंडई ओरिजिनल स्टीयरिंग कंट्रोल, हुंडई ओरिजिनल क्रूज कंट्रोल, वर्किंग मैंने कस्टमर को भी चेक करवा दिया ले जाके कि वर्किंग में कंडीशन में। उसके बाद हमने फ्रंट डोर में जो इसमें कंपोनेंट लगाए हैं वो JBL लगाए हैं। ठीक है, बैक डोर में JBL का कोएक्सियल लगाया है। डैम्पिंग की नीड कस्टमर को नहीं थी तो नहीं करी है, तभी मैं बता रहा हूँ कि ये बजट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद इसमें साइड मिरर लगाया तो हमने ट्विटर सैच लगा दिए, इसके अंदर ट्विटर इंस्टॉल कर दिए हैं JBL के फ्रंट डोर वाले। ठीक, तो साउंड इसका बहुत ही बेहतरीन निकल के आया। अब आपको मैं साइड मिरर फंक्शन दिखाता हूँ, एक बार भी अंदर से करना। यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, इसमें रिले वाला सिस्टम है, जैसे यहाँ से क्लोज करेंगे तो आप चेकआउट करोगे। ये देख, बंद हो रहा है, अनलॉक करने पे खुलने लगा है। ठीक है, ये अपने टॉप एंड मॉडल वाले हैं। रिले लगानी पड़ती है या आती है इसमें? नहीं, इसके अंदर रिले भी बाद में लगती है, लगती है। लगते हैं, रिले लगते हैं, स्विच की कटिंग आप परफेक्शनिस्ट देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट कटिंग और फिनिशिंग है। जूम करके आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एकदम कोई नहीं बता सकता कि हमने ये कटिंग करके लगाया हुआ है। उसके बाद हमने सनग्लास होल्डर इसके अंदर लगा दिया, आप चाहे तो इसके अंदर व्हाइट लाइट लगवा सकते हैं, नहीं तो हम पे चला लो। तो ये हमने बजट काम इसके अंदर करा है। इसके अलावा एडिशनल अंदर मैं बताता हूँ आपको, हाँ जरा अंदर एडिशनल बताता हूँ। इसके अंदर आप ये इनर हैंडल चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, फ्लोरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, इन पे मैट कस्टमर ने पहले से लगवा रखे थे, मैट भी लगवा सकते हैं। ठीक है, अंदर के अंदर ये बेसिक आइटम है, ये सारा पियानो ब्लैक करवा सकते हैं। ठीक है, ये पियानो ये सब पियानो हो सकता है, जो जो पार्ट है अगर आप चाहें तो। ठीक है, वो अभी अंदर और दिखा देंगे ना।
अच्छा भैया, हाँ, आप याद है सर, नाम क्या है अपना? शारिम। क्या नाम है? शारिम। ठीक है, तो गाड़ी आपने यहाँ से मतलब कराई, कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। सेटिस्फेक्शन हुई है? जी। आउट ऑफ 10 कितने देना चाहोगे? 10/10। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये कौन सा बेस मॉडल है ये? जी। टॉप और बेस में कितना फर्क पड़ता है प्राइस में? हाँ, और आपने बेस लेके इसमें सारा काम करा लिया, तो मेरे हिसाब से ये बेस ही ज्यादा सही रहता है ना, उसमें हमने 9% का काम करा सकते। तो चलिए आउट ऑफ मतलब 10/10 दे रहे हैं ना, और फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दोगे? चलिए ठीक है, धन्यवाद। बताओ क्या क्या जो हमने गाड़ी में दिखाया वो तो अलग है, और क्या क्या लगवा सकते हैं फिर, और क्या क्या एक्सेसरीज? मतलब उसके अलावा सेंटर स्पीकर है, सेंटर स्पीकर लगा के अब ये जाली लग जाती है, ये ऑप्शन है फ्रंट में जो होता है। हाँ, फ्रंट में उसके अंदर स्पीकर लगा के जाली चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। बॉस का अंदर उसके अंदर स्पीकर डालो और ये जाली लगा लो, वो जाली हट जाएगी। ठीक है, वो काम की नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बूट लाइट लग जाती है, पीछे वाली है ये, रहे इनर हैंडल्स। ठीक है, ये अंदर वाले हैं, उसमें ब्लैक थे ये अपने। हाँ, ये सिल्वर टॉप मॉडल वाले, कोई सी भी आइटम है सब में 45% डिस्काउंट चल रहा है। उसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल दूसरे भी हैं, ग्लॉसी में मैट लगवाया था, ग्लॉसी भी अवेलेबल है। ऐसे ही स्टेयरिंग, ऐसे ही क्रूज, इसमें भी ऐसे ही स्टेयरिंग क्रूज दोनों अवेलेबल है। उसके अलावा सारी आइटमें हमारे पास हुंडई की ओरिजिनल अवेलेबल है एनी टाइम। ये DRL है जो उस गाड़ी में लगी है, इसका फ्रेम अलग से आता है, फ्रेम भी लगा है उसके अंदर, वो रहा फ्रेम। उसके अलावा साइड मिरर हो गया, साइड मिरर उसके अंदर चेंज हुआ है, LEDs लगी है उसके अंदर 250 वॉट की। अगर आप चाहो तो 200 वॉट भी अवेलेबल है, 150 भी अवेलेबल है, 220 भी अवेलेबल है, 180 भी अवेलेबल है, ये सब लगा है। JBL के कंपोनेंट स्पीकर लगे हैं इसमें, ये रखे हुए JBL स्पीकर रखा हुआ है ये रहा। तो ये मान के चलो आप उस गाड़ी के जो हमने बजट बनाया है ना, आपको जो भी वीडियो में दिखाया है, ये सारा आपको उस काम मैंने उस गाड़ी के अंदर करके दिए 54,000 के अंदर। अच्छा, 24,000 में? हाँ, सब कुछ करके दिए। मैं आइटम आपको गिनवा देता हूँ। फ्रंट में आ जाओ, DRL, उसका ब्रैकेट, उसके बाद उसका अडेप्टर, उसके बाद आपका नीचे हेडलाइट में 2 सेट LED 250 वॉट्स की। साइड प्रोफाइल में आ जाओ, साइड मिरर ऑटोमेटिक कर दिए, अंदर स्विच, उसकी वायरिंग, डोर वाइजर, लोअर गार्निश, हैंडल क्रोम। उसके बाद आ जाओ आप, साइड वेंट चेंज कर दिया, स्टीरियो 12.33 लगा दिया, 2 साल की वारंटी साथ, बैक कैमरा मूविंग AHD विद मूविंग गाइडलाइंस, आगे कंपोनेंट लगा दिए JBL के, पीछे कोएक्सियल एंड ट्विटर सेस लगा दिया ओरिजिनल हुंडई का, ये ऐसा होता है ट्विटर सेस जो आपको वीडियो में दिखाया है। और सनग्लास होल्डर लगा दिया उसके अंदर, स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया, क्रूज कंट्रोल लगा दिया, ये सारा काम 54,000 मात्र मैंने करके दिया है। बिल्कुल, ये आपको मैंने वीडियो, ये वीडियो उन कस्टमर के लिए जिन्होंने अभी तक सिर्फ मटेरियल का वीडियो देखा था, अब आपने आफ्टर इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट कैसा होता है वो भी आपको इस वीडियो में दिखा दिया। हाँ बिल्कुल, आपके सामने मैंने सामान दिखा भी दिया, गिनवा भी दिया, और पैसे भी उन्हीं के आगे बताए मैंने कि इतने पैसे लिए मैंने इनसे। 45% ऑफ पे जो है अभी भी अपना चलने लग रहा है, 45% ऑफ पे। और बाहर की जितनी भी एक्सेसरीज हैं उनमें तो 50% किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 70 भी है। ठीक है, तो राकेश भाई कहाँ पे आना पड़ेगा? आपको आना है करोल बाग अब्दुल अजीज रोड पे, श्री बालाजी कार डेकोर। यहाँ पे आप सुबह 10 बजे से लेके रात में 10 बजे तक की हमारी टाइमिंग है, 7 डेज ओपन है। जब भी आप आएँ, एक दिन पहले कॉल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, सेम डे भी कॉल करके आ सकते हैं। तो गाइस ये थी अपनी हुंडई क्रेटा की, बाकी बहुत सारी चीजें हमने आपको पिछली वीडियो में दिखा दी थी, आज के हमें गाड़ी दिखानी थी, गाड़ी में क्या क्या हुआ है। बिल्कुल, वैसे हमने किया कारंस में भी बजट मॉडिफिकेशन दिखाई थी, और इसमें भी दिखाई थी ना, वो भी ऑलमोस्ट इतने में ही हुई थी किया कारंस। हाँ, ना वो 50 शोन में जो अपनी वो बेसिक वाली हुई थी बजट वाली, है ना। ठीक है।